धन्यवाद बच्चों, आज मैं पत्र लेखन के संबंध में बतलाने आया हूँ। पत्र हमेशा सारगर्भित और आवश्यक चीज़ों से भरा पड़ा होना चाहिए। फालतू की बातें या अन्यत्र बातें पत्र में नहीं लिखना चाहिए। पत्र हमेशा छोटा से छोटा होना चाहिए। आज जो मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, बतला रहा हूँ, ये क्लास 10, 9 और 8 के लिए उपयोगी है। इसलिए 10, 9 और 8 के बच्चे इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे अन्य पत्र लिखने की कोशिश करें। तो क्या है आज का प्रश्न है, अपने पिता से पैसा मंगवाने के लिए पत्र लिखें। बच्चे जब घर से बाहर अन्य शिक्षण संस्थानों में पढ़ते हैं तो बार बार घर जाना अच्छी बात नहीं होती है, और ऐसी स्थिति में जहाँ भी बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पैसे की आवश्यकता कुछ न कुछ कारणों से बना रहता है, और उसके लिए घर में किसी न किसी माध्यम से सूचना देना पड़ता है। तो पत्र के माध्यम से सूचना दिया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि लिखने पत्र लिखने के लिए सर्वप्रथम क्या है कि पत्र जहाँ से लिखा जा रहा है वो कवच दर्शाना चाहिए। तो मान लिया जाए कि बच्चे कहाँ से लिख रहे हैं, एवीएम किलो कृषि, आज का तारीख है 15/5/2020। पिताजी के पास लिखने के लिए सर्वप्रथम क्या लिखेंगे कि पूज्य पिताजी चरण स्पर्श, मैं यहाँ अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहा हूँ, आशा है आप सभी माता जी भाई बहन ठीक होंगे। आगे क्या है कि लिखेंगे, पिताजी मुझे कुछ पुस्तकें, कुछ कापियाँ तथा एक शर्ट खरीदनी है, इसके लिए 500 रुपये की आवश्यकता है, यह राशि मुझे 5 से 10 दिनों के अंदर भिजवाने का प्रबंध करें ताकि मैं समय पर कापी किताब खरीद सकूं तथा अपनी पढ़ाई ठीक से कर सकूं। विशेष माता पिता को मेरा प्रणाम तथा छोटे भाई बहनों को शुभ प्यार। आपका प्यारा पुत्र अभिजीत। बच्चे इस पत्र में स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे जो पत्र लिखे हैं अपने पिता को क्या सूचना दे रहे हैं कि उन्हें कुछ किताबें और कुछ कॉपियां के साथ साथ एक शर्ट खरीदना, उसकी अनुमानित खर्च 500 होगा, और वही 500 रुपये मांगने का कोशिश किया है। अपने पिता माता और भाई बहनों से कितनी प्रेम झलकता है इस पत्र के माध्यम से देखिए। अब इसी से रिलेटिव आप लोग कम से कम 4 पत्र और लिखने का कोशिश करेंगे।